हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप? सब उम्मीद करते काफ़ी अच्छे होंगे। KCC T10 चैंपियनशिप का ये 17 मैच कवर कर रहे दोस्तों, जो कि KRM वर्सेस TGS के बीच में ये मैच होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कुछ हमारे टीम कॉम्बिनेशन स्मॉलिस के लिए रहेंगी और क्या कुछ हमारे ग्रैंडिस के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे। और हमने एज अ दोनों ही टीमों की ओर से दोस्तों काफ़ी सारे रिसर्च एंड एनालिसिस करने पर इस मैच में भी एज अ ट्रम्प प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ से स्मॉलिस के साथ साथ आप सभी को ग्रैंडिक्स भी विन करा कर देंगे। और साथ ही जानेंगे किस प्लेयर को हमें यहाँ से स्मॉलिस टीम्स में पिक करके चलना, किस प्लेयर को हमें यहाँ से ग्रैंडिस के टीम्स में ट्राई करना, विद जो भी हमारे कैप्टन या वाइस कप्तान के लिए डिफॉल्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे, हम उनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा जितना कि इस मुकाबले को विन करना। तो आप सब इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा ताकि आप इस मैच से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन के बारे में आप सब डिटेल्स में जान पाओगे। और दोस्तों सबसे पहले देखो, जो लोग भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहेंगे। और वैसे भी आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अभी हम चलते हैं और प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में कवर करते हैं। और दोस्तों सबसे पहले देखो, जो लोग भी फैंटेसी क्रिक फैन के टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ऑफिशियली प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर या फिर जो कुछ भी हमारे टीम्स में चेंजेस होते हैं इसके सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम्स पे देते हैं। और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप सभी को सर्च नहीं करना है, जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हमने आपको लिंक दिए हैं ना, उसी लिंक पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली हमारे चैनल पर जुड़ जाओगे। और दोस्तों जुड़ने के बाद मैच के टाइम सिर्फ लास्ट के मिनटों तक एक्टिव रहना, ताकि जो कुछ भी मैच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगे आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा ना जुड़ने के लिए, मतलब टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक से जुड़ना, क्योंकि हमारे ही नाम से लोग स्कैम कर रहे हैं। पैटिम के नाम पर काफ़ी सारे यूज़र्स के साथ फ्रॉड भी हुआ, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जुड़ना, ये चीज़ दोस्तों ध्यान में रखना। बाकी हम सबसे पहले बात करते हैं इनकी प्ले स्टैटिक्स और बैटिंग ऑर्डर के बारे में, तो यहाँ पर आप थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। अब दोस्तों ये जो मैच है ना KRM वर्सेस TGS के बीच में, जो KCC T10 चैंपियनशिप का 17 मैच है, 10:45 पर सुलभिया क्रिकेट ग्राउंड पर यह मैच स्टार्ट हो रहा है। सेम वेन्यू है जहाँ पर रिसेंटली से पहले के भी कल के मुकाबले खेले गए थे, और जो भी इनके एवरेज स्कोर 80 से 110 के आसपास में स्कोर बन तो दिखेंगे। और पिच की अगर हम बात करें दोस्तों तो पिच आपको बैलेंसड ही नज़र आएंगे, जहाँ पे बॉलिंग और बैटिंग दोनों को इस वेन्यू पर अच्छे खासे हेल्प मिले। खेले गए मैचों में रिसेंट की अगर देखो तो बॉलिंग से स्पिनर्स को अच्छा खासा इस वेन्यू पर विकेट्स मिले हैं, तो वैसे भी स्पिनर्स को हम ज़्यादातर अपने टीम्स में प्रेफर करेंगे। और हमारे टेलीग्राम से जो लोग अभी तक नहीं जुड़े तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और मैच के टाइम सिर्फ लास्ट के मिनटों तक चैनल पर एक्टिव रहना, ताकि जो कुछ भी मैच से इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहेंगे आपको फर्दर हमारे टेलीग्राम्स पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जुड़ना मत भूलिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो KRM की टीम है, इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर प्ले स्टैटस के बारे में। तो इनकी टीम ने रिसेंट के खेले गए दो मैचों में एक विन एक लॉस था इनका, और दोस्तों इनकी ही टीम की यहाँ पे खदर वाली शौक नजर आएंगे, जो सेख नजर आएंगे, जो राइट हैंडेड बैट्समैन टीम की ओर से ओपनिंग बैटिंग बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। दोस्तों KCC T20s के 3 मैचों में 71 रन 2 विकेट थे, पर इन्होंने KT T10 के 7 मैचों में दोस्तों टोटल 205 रन 29 के एवरेज, टोटल 7 विकेट थे, जहाँ पर रिसेंट के मुकाबले में भी एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले। रिसेंट के खेले गए मैच में अगर आप इनकी फॉर्म देखोगे तो फर्स्ट मैच में इन्होंने 46 का स्कोर 2 विकेट था, और ये अपने कम्प्लीटली 2 ओवर बॉलिंग करे, और सेकेंड मैच में भी इन्होंने 12 का स्कोर 1 विकेट है जिसमें इन्होंने 2 ओवर के बॉलिंग करा। तो कहीं ना कहीं इस मैच के ये होना तो बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, जो स्मॉलिस के साथ साथ आप इन्हें मिनी जीएल और ग्रैंडिस की भी टीम्स में आप इन्हें कैप्टन और वाइस कप्तान करके चल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर थनगरा नजर आएंगे, जो इनके साथ ओपनिंग बैटिंग कराते हुए दिखेंगे। राइट हैंडर बैट्समैन ओवरऑल के 45 मुकाबले 1716 रन, जहाँ पे 47 के एवरेज और 3 विकेट थे खेले गए रिसेंट के 2 मैचों में, 47 और 38 का एवरेज है। तो स्ट्राइक रेट और जो इनके पास एवरेज फॉर्म है दोनों ही काफ़ी बेहतरीन आपको। वैसे भी थंगरन इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन से रहेंगे, अगर आप देखो तो रिसेंट के मैचों में 47 और 38 का एवरेज है, और आप इन्हें ग्रैंडिस और मिनी जेल के टीम्स में भी कैप्टन वगैरह करके जा सकते हो। और हमारा स्मॉलिक इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ एज अ प्लेयर ही इनको पिक करें। गोविंद कुमार का खेले गए रिसेंट के 2 मैचों में फर्स्ट मैच फ्लॉप थे, सेकेंड मैच में सिर्फ इन्होंने 8 ही रन का स्कोर किए थे। वैसे भी ओवरऑल 31 मैचेस 429 रन 25 का एवरेज, जिसमें 11 विकेट थे, ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग इनके लिए कुछ खास अच्छा मैच रहा नहीं। और आप इन्हें जीएल के किसी टीम्स में चाहो तो एज अ प्लेयर ट्राई करके जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो सुनील मुस्तफा नजर आएंगे, राइट हैंडर बैट्समैन है दोस्तों, राइट हैंड मीडियम बॉलिंग कराते हैं, 6 मैचों में 86 रन 14 का एवरेज, 2 विकेट थे रिसेंट के मुकाबले, 7 का स्कोर विकेटलेस गए थे जिसमें इन्होंने 1 ओवर के बॉलिंग कराया। वैसे भी खेले गए मैच में इनके लिए कुछ खास बढ़िया मुकाबला रहा नहीं था, और आप इन्हें खेल के किसी टीम्स में भी करो। गोकुल कुमार भी ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग कर रहे हैं, आप इन्हें भी ग्रैंडलीस के टीम्स में ही ट्राई कीजिएगा। आप देखो यहाँ पर इनके पास जो टीम के मेन बॉलिंग है
सबसे पहले तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो स्लो लेफ्टम ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग जो कम्प्लीटली अपने दो बार ये बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, और इन्होंने केसीसी टी20s के 3 मैचों में 3 विकेट निकाले और खेले गए रिसेंट के 2 मैचों में फर्स्ट मैच इनका 2 विकेट था, सेकेंड मैच में 1 विकेट निकाले, तो वैसे भी डिसेंट पिक रहेंगे इस मैच के लिए, जो कि एज अ प्लेयर के साथ साथ आप इन्हें कैप्टन वगैरह भी करके जाना। उसके बाद जो नवीन है टी20s के 2 मैचों में विकेट ले सिरे, पर इन्होंने टी10 के 3 मैचों में 2 विकेट निकाले, खेले गए मैच ये फ्लॉप थे। अगर आप इन्हें जीएल के टीम्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप एज अ प्लेयर के तौर पर ट्राई कर सकते हो, वैसे भी बहुत कम लोग अपने टीम्स में इनको पिक करके जा रहे हैं। जो रफ़ी नज़र आएंगे दोस्तों टी20s के 45 मैचों में 72 विकेट 2 मुकाबले में इन्होंने काफ़ी बढ़िया टच में चले, फर्स्ट मैच 2 विकेट थे, सेकेंड मैच में भी 2 विकेट निकाले, और आप इन्हें जीएल के टीम्स में कैप्टन भी ट्राई करना। खेले गए रिसेंट के 2 मैचों में एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, जो कि अभी हम एज अ प्लेयर ही अपनी टीम्स में ट्राई करके जा रहे हैं। उसके भी जो कोरोथ नज़र आएंगे ना, टोटल 79 मैचेस 66 विकेट्स इनका रहा था, रिसेंट के 2 मैचों में पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे, ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग इनके लिए कुछ खास अच्छा मैच है नहीं। बाकी जो मैथ्यू जोसफ और नदीम नज़र आएंगे ना, ये दोनों ही ग्रैंड लिस्ट के सेफ रहेंगे, यहाँ से स्मॉलिंग में हम किसी को नहीं रखेंगे। खेले गए मैच पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे, ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग इनके लिए कुछ खास अच्छा मैच गया नहीं था। बाकी इनके बेंच प्लेयर से जो भी प्लेयर खेलते हैं दोस्तों, सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम्स पे देंगे, और हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए भी सर्च नहीं करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से जुड़कर मैच के टाइम सिर्फ लास्ट के मिनटों तक चैनल पर एक्टिव रहना, ताकि जो कुछ भी मैच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे सारे के सारे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर TGS के टीम भी रिसेंट के अपने एक मुकाबले खेले, जो कि ये विन करके आ रही है दोस्तों, इनकी ही टीम की ओर से नौशाद नज़र आएंगे, जो राइट हैंडर बैट्समैन विकेट कीपिंग कराते उस टीम की ओर से दिखेंगे कैसी, और इन्होंने KT T10 के 4 मैचों में 44 रन 11 का एवरेज था, रिसेंट के मैचों में 21 का स्कोर के जो आपको 20+ 30+ स्कोर करके दे सकते हो, और आप एज अ प्लेयर इनको अपने स्मॉलिंग में पिक करके चल सकते हो। उसके सिवा अगर आप यहाँ पर ऐदन देखो तो इनके साथ ओपनिंग बैटिंग के बाद जो लास्ट के मैचों में डक पर आउट हुए थे, पर 4 मैचों में 51 रन 12 का एवरेज 4 विकेट थे रिसेंट के मुकाबले खेले गए, जहाँ पर ये ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग, हालांकि अपने कंप्लीटली 2 बार बॉलिंग करा रहे हैं जिसमें बैटिंग भी टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स रहेंगे, और आप एज अ प्लेयर इनको अपने टीम्स में डिफरेंशियल ऑप्शंस के तौर पर ट्राई करना, और आप इन्हें जीएल के टीम्स में कैप्टन ज़रूर से ट्राई करके जाना। उसके सिवा यहाँ पर जो जैकोब नजर आएंगे दोस्तों, टी10 के 3 मैचों में टोटल 13 रन 4 का एवरेज था रिसेंट के मुकाबले, डक पर आउट विकेटलेस रहे, पर इन्होंने 2 बार अपने कंप्लीटली बॉलिंग कराए थे और फर्स्ट इनिंग में टीम बैटिंग कराएंगे, तो फिर एज अ प्लेयर इनको भी हम यहाँ से टीम्स में ट्राई करके चलेंगे, और आप इन्हें जीएल के भी टीम्स में कैप्टन वगैरह ज़रूर से ट्राई करना। उसके बाद नीलेश हमारे लिए टीम के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, जो 4 मैचेस टी10 के अंदर 66 रन 15 का एवरेज और 4 विकेट थे, जो कि ये राइट मीडियम बॉलिंग करते हैं, रिसेंट के मुकाबले 1 विकेट 2 ओवर के बॉलिंग थे, तो एक डिसेंट पिक रहेंगे, और आप इन्हें ग्रैंड लिस्ट के भी 1 से 2 टीमों में कैप्टन करना, और हमारे स्मॉलिंग इन्वेस्टमेंट है तो सिर्फ एज अ प्लेयर ही इनको हम पिक करेंगे दोस्तों। इसके सिवा अरशद और शाह और यहाँ पर जो प्रीतम नज़र आएंगे ना, ग्रैंड लिस्ट के सेफ है, मिडल ऑर्डर बैटिंग रहेगा इनका, कभी कभार आपको थोड़ी बहुत 10 या फिर 20+ स्कोर से ज़्यादा स्कोर कराएंगे नहीं, और आपको जीएल के टीम्स में ही ट्राई करना चाहिए। इसके सिवा अगर आप इनके पास टीम के मेन बॉलिंग देखोगे तो विंकटेस का कुछ खास बढ़िया रिकॉर्ड है नहीं, KT T10 के 1 मुकाबले थे वहाँ पर, न तो बैटिंग न तो बॉलिंग के थे, खोले गए मैचों में पूरी तरह से विकेटलेस गए। इक्रम को भी ग्रैंड लिस्ट के टीम्स में ट्राई करेंगे दोस्तों। इसके सिवा अगर आप देखो तो जिस तरह से कुट्टी का फॉर्म है ना, 11 रन का स्कोर भी विकेटलेस रहे, 1 ओवर के बॉलिंग था, वैसे भी ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग, इनको भी हम किसी जीएल के टीम्स में ही ट्राई करेंगे। इसके सिवा जितेंद्र कुमार और जो यहाँ पर रवि राज नजर आएंगे ना, तो बैटिंग ना तो बॉलिंग इनके लिए कुछ भी अच्छा मैच नहीं गया था, फिर भी अभी इनको हम यहाँ से पूरी तरह से ड्रॉप करके ही जाएंगे, और बेंच प्लेयर से जो भी प्लेयर दोस्तों इनके खेलेंगे, सारे के सारे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मेरे ऑफिशियली रियल टेलीग्राम्स पे टीम मिलेंगे। जुड़ने के लिए सर्च नहीं करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज़रूर से ज्वाइन हो जाएगा। अभी दोस्तों चलते अपनी हम टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ी ध्यान से सुना, मेरी टीम जो है पूरी तरह से KRM के अगेंस्ट में बनी हुई है, और हमने ये पूरी लॉजिक बेसिस पे टीम्स को क्रिएट किया, बाकी देखो चेंजेस करना होगा तो अपने रिस्क बेसिस पे खुद के टीम्स में अपडेट्स करना, बाकी मेरे हिसाब से मेरी स्मॉली की सेफ टीम रहेंगी। आप प्रीव्यू देख सकते हो यहाँ पर, कुछ खास अगर आपको चेंजेस करना हो तो स्टैट्स बेसिस पे खुद की टीम्स में अपडेट्स करना। फिलहाल हम सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट, जिसमें कैप्टन के लिए अगर हम बात करें तो दोस्तों KSC के जो कैप्टन के लिए सेफ रहेंगे, बॉलिंग और बैटिंग दोनों ही करके देंगे। इसके सिवा हमने अजर रफीक को जो वाइस कप्तान करके जा रहे हैं, जो कि ये बॉलिंग और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट। फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टॉस के बाद हमारे टीम्स में चेंजेस हो सकते हैं, जिसके अपडेट्स आपको टेलीग्राम्स पे ही देंगे, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक मिलेगा ना, उसी के थ्रू ही जुड़ना, ये चीज़ें दोस्तों ध्यान रखना। बाकी अभी हम मिलते हैं अगले वीडियोस में किसी नेक्स्ट मैचेस की प्रेडिक्शन के साथ।